हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग अगेन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हमारे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के यूनिट 3 की फ्रॉम बॉटनी पेपर 1 नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है एमसीक्यूज की, एंड ऑलमोस्ट आपका यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 एंड आई थिंक 6, ये सब कुछ मैंने पेपर 1 खत्म कर दिया। बॉटनी का, जियोलॉजी का पेपर 1 पूरा खत्म है, ये सब कुछ एबीसी बैच के अंदर मैंने खत्म किया हुआ है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप चैनल पर विजिट जरूर करें। ठीक है, कुछ यूनिट्स और बाकी हैं रिमेनिंग, उन्हें भी मैं खत्म कर दूंगी एग्जामिनेशन से पहले। और अब एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए एमसीक्यूज की सीरीज लेकर के आऊंगी। आपको बस अपना जो पूरा फोकस है वो इस चैनल पर रखना है, कुछ दिनों तक बिल्कुल इसी चैनल पर होना चाहिए, सो डैट आपका कोई भी पार्ट स्किप ना हो। ठीक है, और अभी मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहूंगी बिकॉज आपके पेपर आने वाले हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शन है, ये चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ज्यादा इलेबोरेशन नहीं करेंगे। ठीक है, व्हाट एंजाइम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट इन प्लांट। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित करने के लिए मुख्य रूप में होता है हमारे पौधों में, तो उसको आप क्या बोलोगे, क्या होता है, कौन सा नाम है उसका? तो आपको पता होगा नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो रिडक्टेज तो पता है, नाइट्रेट से नाइट्राइट में कर रहा है, नाइट्रेट पहले आया ना, तो नाइट्राइट में कर रहा है, तो इस तरीके से नाइट्रेट रिडक्टेज इज योर राइट आंसर। ठीक है, याद करने का तरीका है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट टू अमोनिया अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। नाइट्राइट का एमोनिया में अपचयन पादप कोशिका के किस हिस्से में होता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया, क्या क्लोरोप्लास्ट, क्या साइटोप्लाज्म, क्या सेल वॉल? तो आप सभी को पता है कि क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर। ओके, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, आई विल नॉट गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन। ओके, नाइट्रेट रिडक्टेज रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग को फैक्टर टू फंक्शन। नाइट्रेट रिडक्टेज के कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस सहकारक की आवश्यकता होती है? सो मॉलिब्डेनम इज योर राइट आंसर। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेट एसिमिलेशन इन प्लांट्स? पौधों में नाइट्रेट अवशोषण का अंतिम परिणाम क्या होता है? क्या नाइट्राइट, क्या नाइट्रेट, क्या एमोनिया, क्या नाइट्रोजन गैस, या बताइए आंसर, आप बताइए। सो आपको पता है कि एमोनिया इज आवर लास्ट डेस्टिनेशन, जहां हमें पहुंचना होता है ना, यही एमोनिया होता है। फिर नाइट्रेट एसिमिलेशन अकर्स प्राइमरली इन विच प्लांट ऑर्गन? नाइट्रेट आत्मसात मुख्य रूप से किस पौधे के हिस्से में होता है? सो रूट। एसिमिलेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? रूट में। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू एमोनिया इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन स्थितीकरण में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? नाइट्रोजिनेज। देखिए, मैं हिंदी भी आज इस वजह से पढ़ रही हूँ क्योंकि आप लोगों में से काफी बच्चे मुझसे कमेंट में बोलते हैं कि दीदी प्लीज हिंदी भी पढ़ दिया करो, मैं हमेशा इंग्लिश पढ़ के छोड़ देती हूँ। ठीक है, बट अब मैं उनकी भी बातें सुनूंगी और मैं हिंदी भी पढ़ूंगी। ओके, लेग्यूम ऑफन फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन? फलीदार पौधे सामान्यतः नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? सो राइजोबिया। कैन यू टेल मी, यू आर इन अ फिफ्थ सेमेस्टर ना, टेल मी अबाउट द लाइकेन एंड टेल मी अबाउट द माइकोराइजा। ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस टर्म एंड टेल मी इन लाइकेन? चलो मैं बताती हूँ, लाइकेन में तो आप जानते हो फंजाई प्लस एल्गी का एसोसिएशन है। नाउ टेल मी विच इज डोमिनेंट हियर, है ना, यहाँ पे आपको बताना है फंजाई और एल्गी में से डोमिनेंट कौन है हमारे लाइकेन में, टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड टेल मी वॉट इज माइकोराइजा, किसका किसका एसोसिएशन माइकोराइजा कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग नॉन लेग्यूम प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग गैर फलीदरी फलीदार वनस्पति है? क्या गेहूं, क्या एल्डर, क्या सोयाबीन, क्या कॉर्न? तो एल्डर इज योर राइट आंसर। ठीक है, नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम रूट नोड्यूल टेक्स प्लेस अंडर व्हाट कंडीशन? फलीदार पौधों में जड़
ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थितिकरण किस प्रकार की परिस्थितियों में होता है? हाई ऑक्सीजन, उच्च ऑक्सीजन स्तर, लो ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन में, हाई कार्बन डाइऑक्साइड, उच्च कार्बन डाइऑक्साइड स्तर, या हाई अमोनिया, उच्च अमोनिया? सो आपका आंसर हो जाएगा लो ऑक्सीजन। ठीक है। द पिंक कलर इन लेग्यूम रूट नोड्यूल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच कंपाउंड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। फलीदारी पौधों में जड़ की ग्रंथियों में गुलाबी रंग किस यौगिक की मौजूदगी के कारण होता है? तो लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है, इज द राइट आंसर। विच जीनस ऑफ बैक्टीरिया इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नॉन लेग्यूम प्लांट लाइक एल्डर? जीवाणुओं की कौन सी प्रजाति सामान्यतः एल्डर जैसे गैर फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थितिकरण से संबंधित है? तो फ्रेंकिया। द हैबर प्रोसेस इज अ ह्यूमन इंजीनियर्ड मेथड टू प्रोड्यूस विच कंपाउंड दैट प्लांट यूजेस? हैबर प्रक्रिया एक मानव इंजीनियरिंग तकनीक है जिसका उपयोग पौधों में किस यौगिक के निर्माण के लिए किया जाता है? सो द राइट आंसर इज अमोनिया। नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेटेलो एंजाइम? नाइट्रोजन एंजाइम कॉम्प्लेक्स में निम्नलिखित में से कौन सा घातित्व, एक मिनट, हाँ, एंजाइम होते हैं, धावित्व एंजाइम होते हैं? सो द राइट आंसर इज मॉलिबिडनम, एफी एमओ एफी प्रोटीन एंड एफी प्रोटीन। ठीक है। विच मॉलिक्यूल इनहिबिट्स नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक्टिविटी इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? कौन सी अणु नाइट्रोजन स्थितिकरण में नाइट्रोजिनेज एंजाइम की गतिविधि को अवरुद्ध करता है? सो ऑक्सीजन। एटीपी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन टू ड्राइव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप? नाइट्रोजन स्थितिकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस चरण के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है? तो पढ़ाया है सब मैंने कि ब्रेकिंग ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। द इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर नाइट्रोजिनेज एंजाइम इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज जनरली डेराइव फ्रॉम विच कंपाउंड? बहुत इजी क्वेश्चन है, फेरोडॉक्सन इज योर राइट आंसर। विच इंटरमीडिएट कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन पाथवे? नाइट्रोजन स्थितिकरण प्रक्रिया में कौन सा मध्यवर्ती यौगिक उत्पन्न होता है? अमोनिया। विच एंजाइम कन्वर्ट अमोनिया टू ग्लूटामीन इन प्लांट्स? कौन सा एंजाइम पौधों में अमोनिया को ग्लूटामीन में बदलता है? तो ग्लूटामीन सिंथेटेज, नाम से समझ में आ रहा है, ग्लूटामीन सिंथेटेज मतलब सिंथेसिस होना, है ना? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे, सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। इन द GSGOGAT साइकिल ग्लूटामीन इज कन्वर्टेड टू ग्लूटामेट बाई विच एंजाइम? तो ग्लूटामेट सिंथेटेज। GSGOGAT पाथवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस? बताइए। एमोनियम एसिमिलेशन, अवशेषण। ठीक है। विच मॉलिक्यूल डोनेट द एमाइनो ग्रुप इन द GSGOGAT पाथवे? तो ग्लूटामीन। ग्लूटामीन सिंथेटेज कैटलाइजेज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामीन फ्रॉम एमोनिया टू विच अदर कंपाउंड? बताइए। ग्लूटामीन सिंथेटेज अमोनिया और किस अन्य यौगिक के माध्यम से ग्लूटामीन के संश्लेष सिंथेसिस को उत्प्रेरित करता है? तो ग्लूटामेट इज योर राइट आंसर। रिडक्टिव एमाइनेशन इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस विच अमाइनो एसिड? रिडक्टिव एमाइनेशन एक प्रक्रिया है जो किस अमाइनो एसिड का निर्माण करती है? सो ग्लूटामेट इज योर राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एन अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल? ट्रांस एमाइनेशन की प्रक्रिया में एक अमाइनो एसिड से किस प्रकार के अणु में एक अमाइनो समूह का स्थानांतरण होता है? सो कीटो एसिड। विच एंजाइम कैटलाइजेस द ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन बिटवीन ग्लूटामेट एंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट? सो द राइट आंसर इज एस्पर्टेट एमाइनो ट्रांसफरेज। विच को एंजाइम इज ऑफन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन? तो पायरेडॉक्सिल फॉस्फेट इज योर राइट आंसर। ड्यूरिंग ट्रांस एमाइनेशन ग्लूटामेट कैन डोनेट एन अमाइनो एसिड टू विच कीटो एसिड टू फॉर्म एलानिन?
बताइए कौन बनाता है एलालिन बनाने के लिए। श्वान्स एमाइनेशन के दौरान ग्लूटामेट किस कीटो एसिड को एक एमाइनो समूह प्रदान करता है जिससे एलानिन का निर्माण होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पाइरुवेट। द एमाइनो एसिड ग्लूटामीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइनो एसिड। ग्लूटामेट ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डू यू नो द 20 एमाइनो एसिड्स नेम? डू यू नो? एक बार खुद से एक बार याद करो, तो सच्चाई से अपने दिल से पूछना कि डू यू नो कि आपको 20 अमीनो एसिड के नेम पता है या नहीं है। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो सो डेट रिवाइज हो जाए, और नहीं पता है तो प्लीज याद कर लो, बिकॉज 20 अमीनो एसिड के नेम याद होना इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप नाइट्रोजन वगैरह पढ़ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हो। ठीक है, एस्पार्टेट इज सिंथेसाइज डायरेक्टली फ्रॉम विच इंटरमीडिएट इन द टीसीए साइकिल? सो बी आपका हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटेट। इन द सिंथेसिस ऑफ एमाइनो एसिड विच मॉलिक्यूल सर्व्स एज अ प्राइमरी एमाइनो डोनर? तो ग्लूटामेट। ओके, सो दीज वर द 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर यूनिट 3 नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, एंड आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको हेल्प करेंगे। देखिए, मैं एमसीक्यू वाली वीडियो ज्यादा नहीं खींच सकती हूँ, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि बहुत सारे बच्चे जब एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो उसके आधे घंटे पहले भी बैठ करके मेरी वीडियोज देख रहे होते हैं। अगर मैं एक वीडियो में बैठ करके 30 मिनट 40 मिनट में फिर से दोबारा वही कॉन्टेंट अपलोड करूँ जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वे में पढ़ा रखा है, तो ये आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरी भी टाइम एंड एनर्जी का वेस्ट होगा। इसीलिए मैं इन सब चीजों को थोड़ा सा एमसीक्यू वाले जो मतलब वीडियोस होते हैं ना, मैं उन्हें बहुत ज्यादा सिंपल वे में रखती हूँ। ठीक है, सो डेट इट विल हेल्प यू मोर, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 50 मिनट्स 1 आवर 2 आवर हम लोगों ने दे चुके हैं एक यूनिट को पढ़ने के लिए। बहुत ज्यादा टाइम दिया है हम लोगों ने और मैंने पढ़ाया भी है। सो इट्स बेटर कि आप उन सभी वीडियोस को देखो एंड देन एमसीक्यू सॉल्व करो। आपके सभी पेपर्स बहुत अच्छे जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।